इतना फोन आ रहा है, इतना फोन आ रहा है, दिमाग एकदम खराब हो गया है। अर्जुन की वाइफ से यही कहना चाहते हैं, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि थोड़ा घड़ी खराब चल रहा है, थोड़ा सिचुएशन खराब चल रहा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा भी टेंशन मत लो और आप खाना पीना मत छोड़ो, आप खाना पीना खाओ। आप, हम जान रहे हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, और वहाँ के ग्राम प्रधान जी जो हैं बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, जो आप इतना साथ दे रहे हैं। और मालती, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुमसे कहना चाहते हैं, तुमको तो अपने पति से प्यार एक रुपये का है नहीं, उसको चक्कर आ रहा है, एकदम उसका हालत देख रही हो कैसा हुआ है, एकदम जैसे पागल के तरह बिहेव कर रहा है विष्णु है, पागल की तरह, और अर्जुन की वाइफ बेहोश हो जा रही है, उसका हालत दांत लग जा रहा है। अभी मान लो चाहे विष्णु को कुछ होता है, चाहे उसकी वाइफ को कुछ होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम लोग तो जो मजा मार रहे हो, तो मजा तुम लोग का निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाओ वैसे भी निकल जाएगा। 24 घंटे का तुम लोग का मोहलत दिया गया था, जिसमें से 2-4 घंटा अभी भी बाकी है, अभी भी एक लास्ट वार्निंग तुमको दे रहे हैं कि अभी भी तुम लोग अपने घर आ जाओ, या फिर मुझे मैसेज करो, या फिर मुझे फोन करो। ऐसा नहीं है कि फोन नंबर नहीं है, और मैं लगातार दोनों का फोन नंबर लगा रही हूँ, दोनों का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम, और मुझे पता चला है कि तुम लोग बस्ती में हो, ठीक है, और पूरा हिस्ट्री, जितने भी लोग हैं बस्ती के, जितने भी लोग हैं, देखिए ये लोग कहाँ, आखिर किस रूम में बैठे हैं, किस होटल में बैठे हैं, जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन दोनों लोगों को पकड़िए, थंबनेल पर इन दोनों का फोटो लगा देंगे, और आप लोग इन दोनों लोगों को पकड़िए, और या तो पुलिस के हवाले करिए, या फिर फोन करिए, आप लोगों को एक नंबर दे दिया जाएगा, जब जरूरत लगेगा तो दे दिया जाएगा, कमेंट करिएगा, हम नंबर दे देंगे। तो आप लोग बस यही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के बिल्ला रास्ता काट दे भैया, आज मौसम सही ना आएगा हमारा, आज के मौसम सही ना आएगा, कहे से कि भाई आज 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 जौन होता सुबेरे से हमारे साथ जौन होता, हम बहुत हमारे साथ गलत गलत होता है, चुप रहो बेटा। तो दोस्तों, इन लोगों को जहाँ भी आप लोग देखिए, जिस हालत में देखिए, उसी हालत में, क्योंकि मुझे पता है पॉइजन आई फुअरी हम कहा बा वही लायक, ये 5 दिन 6 दिन आज हो गई, एक के साड़ी पर भी नहा भी नहीं रही, पता नहीं कैसे जी रही है, वो उगले थे नहा लीजिए तो नहा, साड़ी दे रहे थे इसको कि नहा लो, पता नहीं कितना गर्मी है इसके अंदर, और का कर आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, मत बोलिए, दोनों के एक साथ बंद कर दीजिए, सब गर्मी निकल जाएगा, बहुत दुष्ट है। तो ऐसे भी जब पुलिस के हत्थे लगेंगे तो सारी गर्मी उसी तरह से निकल जाएगी, और जो तुम विष्णु के साथ की हो बहुत गलत की हो, तुम हमको धोखे में रख करके, हमको फुसला करके, हमको हमारे सामने रो करके, क्रिया खा करके, के साथ क्या हुआ उससे भी ज्यादा जरूरी है अर्जुन की वाइफ के साथ जो हुआ वो। दोस्तों आप लोग एक नजरिया विष्णु से हटा करके अर्जुन के वाइफ के तरफ डालिए, क्योंकि विष्णु तो फेमस है, एक मिनट विष्णु तो फेमस है, उसका हर मोमेंट आप लोगों को पता चल रहा है, लेकिन अर्जुन की वाइफ वीडियो नहीं बनाती है, उसके पास बड़ा मोबाइल भी नहीं है, उसको किसी मोमेंट, उसके किसी मोमेंट के आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो किस हालत में है, कैसी है। दोस्तों उसकी हालत जो है ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा सीरियस है उसका हालत, और वो अगर अर्जुन नहीं आएगा ना तो उसको शायद कुछ हो भी जाएगा, क्योंकि ये जो मैटर है ना बहुत खराब मैटर है। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि कोई भी औरत अपना पति किसी को नहीं सौंपेगी, और ये लोग जो कह रहे हैं ये सब सरासर झूठ है, सही नहीं है, जो भी है, आप कोई भी बात कहते हैं गुस्से में, हम ही कहते हैं कि हम चल जाइए अपने घर, तो कहा हम चल जानी अपने घरे, चाहे हम कहते हैं हम छोड़ता, हमके मौत ना होता तो हमके मौत आ जाला, हम मर जानी, ऐसा कोनो बात ना है। दोस्तों झगड़ा सबकरे में होता है, सबकरे घर होता है झगड़ा, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अब मियाँ बीबी झगड़ा करे तो मियाँ किसी और को पटाए, बीबी किसी और को पटाए, लेकर के भाग जाए, गुलछर्रे मारे, ये सब गलत है। झगड़े में कोई कहता है कि हम तलाक चाहिए, गुस्से में तलाक तुरंत तलाक हो जाता है। अरे भाई अगर आप तलाक करना भी चाहे, दोनों लोग राजी भी रहेंगे तो 6 महीना लगता है तलाक। अरे कम कम दो चार लोग अपने से बड़े लोग के पास जाइए, देखिए विष्णु ने गलती किया है, मैं मानती हूँ कि विष्णु ने गलती किया है, और सभी लोग विष्णु की गलती है, सुनिए मुझे कुछ भी कोई गाली दे, एक मिनट मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखिए किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, अगर विष्णु ने गलती किया है, मानते हैं तुम्हारा फैमिली है, वो बोल रही है शादी कराने के लिए, तो आपको शादी कराना था तो
कोई गार्जियन से पूछ लेते एक बार उसकी क्या हालत इस समय, समझ रहे हैं आप, पूछ लेते। अगर उसके गार्जियन वाले भी कहते हैं तो उसमें उसकी पत्नी कभी नहीं कहेगी शादी कराने के लिए। उस समय थाने करके आप बोलाओ, अब मैटर तो आप खराब कर दिए, भगा भाग भी गए। अगर शादी नहीं हुआ कहाँ भाई, यही छोड़ के आए हैं, ये जानते हैं कि कहाँ है? अब बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। दोस्तों के वीडियो में आप लोग साफ साफ सुन लीजिएगा, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि इन लोगों को हम छोड़ के आते हैं इनके मंजिल तक, यानी कि विष्णु को पता है कि कहाँ पर हैं वो लोग, तो विष्णु बता नहीं रहे हैं। कहने का मतलब तो यही हुआ ना, तो कन्फर्म हमें विष्णु से ही पता चला है, किसी विष्णु के ही लोग बता रहे हैं कि बस्ती में है। तो क्या बताए, तो लोग बताए कि बस्ती में है। अरे यार जहाँ भी है, आप लोग मालती को मत अपनाना, वो तो चाहती है ना तलाक, तो ले लेना तलाक। पर ये अर्जुन को आप लोग दे दो, उसके घर पे बहुत दिक्कतें, उसके वजह से हम लोग दिक्कतें हो रहे हैं। मानेंगे नहीं यार, हमारा मुंह देख रहे एकदम झुरा गया, हमारे बच्चे अभी तक को देख रहे किस तरह हो गया, बच्चों के कपड़ा किन्ना सिया, छन छन को कोई शॉपिंग नहीं, देखिए लेके जा रहे हैं अभी हम लोग शॉपिंग कराने के लिए। हम इतना दोस्तों मेरा तबीयत खराब है, दीजिएगा, इतना तबीयत खराब है। एक बार इन लोगों को मैं तैयार कराई हूँ, सुबह तैयार कराई हुआ कि मैं इनसे बोली हूँ कि ले जाइए बच्चों का शॉपिंग करा लाइए, थे ये हम नहीं जाएंगे, तो मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैं बोली नहीं, बस ये झगड़ा कर लिए हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा है बच्चों कपड़ा निकाल दो कल चलना। बस छन छन और सिया लगी है रोने, रिया तो समझदार है नहीं रोती है, लेकिन छन छन रिया छन छन और सिया रोने लगी है। तो फिर हम क्या किए दोस्तों, हार मान करके बच्चों के वजह से, उनके वजह से फिर तैयार हुए और फिर लेके जा रहे हैं। दोस्तों अभी दोपहर को 2 बज रहा है, और दोस्तों बता देना चाहते हैं कि त्योहार का दिन है, सभी के घर त्योहार मनाया जाएगा, तो हमारे घर नहीं मनाया जाएगा। हमारे घर इतने सुबह सुबह सब्सक्राइबर आ जा रहे हैं, बताइए आप लोग के घर में एकदम घर में एकदम मीडिया वाले आ जा रहे हैं, कम से कम हम जानते 8-10 चैनल वाले रह रहे हैं, सबसे अभी कुछ बोल देंगे गुस्से में, कुछ बोल देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, हमारी फीलिंग को समझ नहीं रहे कि हम लोग किस हालत में है। त्योहार है दीपावली में हम लोग बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि दीपावली के बड़े बड़े लोग, ये बहुत बड़ा हम लोगों के हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार इसको माना जाता है, सबसे प्यारा दीपावली ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी वजह से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। और दोस्तों आप लोग को क्या बताएं, सब्सक्राइबर और मीडिया ये लोग, इन लोग के घर पे बताइए नहीं है त्योहार क्या, मतलब हम लोग 2-3 दिन त्योहार के लिए हम लोग को छुट्टी नहीं, हम लोग इंसान नहीं है। एक चीज बता देते हैं, अगर हम गुस्से में कुछ बोल देंगे ना तो सच में बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा इतना तेज सर दर्द कर रहा था, सुबह सुबह सब्सक्राइबर आ जा रही हैं, सुबह सुबह मीडिया आ जा रहे हैं और जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होगा। हम अपने वीडियो में लगातार बोल रहे हैं कि अब कोई भी सब्सक्राइबर घर पे नहीं आएगा, उनको मिलने के लिए मौका दिया जाएगा, समय एक दिया जाएगा, कोई भी सब्सक्राइबर घर पे अलाउ नहीं है, कोई भी यूट्यूबर अपने घर पे सब्सक्राइबर को अलाउ मत करिए, चाहे जो हो जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर आते हैं आपके घर खाते हैं और आप ही के बीबी को पटा के ले जाते हैं, ठीक है। आप लोग के आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी आप लोग का आंख का पट्टी नहीं खुल रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और कोई भी हमारे घर आता है उनके साथ क्या होता है क्या जाता है इसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मुझसे कोई पूछ के नहीं आता है, मैं नहीं जानती उसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ बोलूंगी नहीं, मैं तो पल्ला झाड़ दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। भाई तुम कहां से आते हो, कैसे आते हो, कैसे नहीं आते हो, किससे पूछ के आते हो, मुझसे पूछ के आते, मैं बुलाई रहती तो समझ में आता कि हाँ मैं बुलाई हूँ, आए कोई बात नहीं, जब मैं नहीं बुलाई और मैं बार बार मना कर रही हूँ कि मेरे घर मत आओ मत आओ मत आओ, तो क्यों आ रहे हो बार बार? छठ के बाद मैं बोली कि आना, लेकिन वो भी घर पे नहीं, स्टूडियो पर, एक हफ्ते में एक दिन समय देंगे, लेकिन स्टूडियो पर, वो भी नहीं कि रोज रोज आप ही के लोगों के लिए समय देंगे, हम नहीं पैसा कमाएंगे, हमारा काम नहीं है, हम दूसरे का सूट लिए हैं, साला सब कैंसिल हो गया सारा सूट, अभी हम देख रहे हैं सबका पैसा देना, छठ का पैसा वापिस किए हैं मालती के वजह से, मलतिया भैंसिया अपने तक जाके मजा मारतिया, हमन के मरले बा डिस्टर्ब कह के रख दे ले भैया, और हमारे घर में ना अलत न तो बहुत बढ़िया रहा, हमारे घर में आके हमें फंसा दे ले भैया ना, तो बताए मलतिया तो के देख लिए थे, जैया बेटा भी रहे तो चप्पले चप्पले मारा पूरा, हमारे सब्सक्राइबर हमें गरिया था ना, ठीक करता ना कुल, हम गरिये वाला काम कर ले, मेरी भैंसिया तो अपने घर में ना रख ले रहती थी, हमें कुछ कहत ना है, तोरे वजह से हम फंस गए कुत्ती हरामी हरामजादी के इनका बेशरम।